चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम इसरो के प्लान के मुताबिक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका और स्पेस एजेंसी से इसका संपर्क टूट गया। हालांकि ऑर्बिटर की मदद से विक्रम की लोकेशन का पता लग चुका है। वहीं यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ESA की एक रिपोर्ट की माने तो जहां विक्रम लैंड हुआ है वो एक खतरनाक इलाका है। ESA ने अपने खुद के एक मिशन के लिए ये रिपोर्ट तैयार की थी। ESA का मिशन तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन तैयारी के दौरान बनाई गई उसकी रिपोर्ट से कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। लूनर लैंडर मिशन नाम का प्रोजेक्ट ESA ने फंड्स की कमी के चलते बीच में ही रोक दिया। इसके तहत 2018 में लैंडिंग होनी थी। मिशन की प्लानिंग स्टेज में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग से जुड़े खतरों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि इस क्षेत्र की सतह पर एक जटिल एनवायरनमेंट है। इसमें चार्ज्ड पार्टिकल्स और रेडिएशन चांद की धूल से मिलते हैं। इस प्रक्रिया के नतीजे हैरान कर देने वाले हैं, सोच से बाहर और खतरनाक भी हो सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि चांद की धूल से क्या खतरा हो सकता है। रिपोर्ट की माने तो चांद की धूल एक्सपेरिमेंट के चिपक कर मशीनें खराब कर सकती हैं, सोलर पैनल्स को ढक सकती हैं और इक्विपमेंट्स की कार्य क्षमता को कम कर सकती हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस चांद पर धूल उड़ाती हैं जिससे खतरा पैदा होता है। इन पार्टिकल्स से बनने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के कारण आगे जाने वाले लैंडर्स के लिए खतरा पैदा हो सकता है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चांद की धूल के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। रिपोर्ट्स में भी कहा गया है कि लैंडिंग के दौरान लैंडर को AC किसी भी जगह पर छाया नजर नहीं आती जिससे सोलर पावर जनरेशन पर असर हो। साथ ही ढलान और बड़ी चट्टानों का भी ध्यान रखना होता है जिससे लैंडर को रोकने के दौरान खतरा हो सकता है। ESA फिलहाल कनाडा और जापान की स्पेस एजेंसियों के साथ मिलकर हेरकल्स रोबोटिक मिशन की तैयारी कर रहा है जिसके तहत 2020 तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की तैयारी है। हालांकि भारत इतिहास पहले ही रच चुका है। भारत साउथ पोल पर पहले ही पहुंच चुका है, बस लैंडर विक्रम से संपर्क होना बाकी है। वहीं ESA की रिपोर्ट के अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ प्योर्टो रिको मायागेज ने नासा के साथ मिलकर एक रिपोर्ट बनाई थी। लूनर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सेस की पोलर रीजन नाम की रिपोर्ट में इस क्षेत्र में लैंडिंग से जुड़े खतरों के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट नासा के 2024 तक चांद पर इंसान के भेजने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। नासा ने कहा है कि चंद्रयान 2 के डेटा का इस्तेमाल कर अपना मिशन आर्टेमिस वो प्लान करेगा। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दक्षिणी ध्रुव में स्पेसक्राफ्ट लैंड कराने में 17 तरीके के रिस्क होते हैं। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।